क्षेत्र के समीकरण को भी समझ लेते हैं, वहां से कौन कौन से दिग्गज रहने वाले हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर दिनेश शर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति वहां से रहने वाले हैं। चुनावी पथ जो है वो पथ भी आपको कानपुर क्षेत्र का बता देते हैं। झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कानपुर होते हुए कानपुर देहात और कानपुर नगर, ये पूरा पथ रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको अवध क्षेत्र का समीकरण समझाते हैं। जेपी नड्डा यहाँ पर रहने वाले हैं, धर्मेंद्र प्रधान, कौशल किशोर यहाँ पर आज आपको दिखाई देंगे, जनविश्वास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। चुनावी पथ क्या है वो भी आप समझिए, चुनावी पथ भी आपको लगातार बता रहे हैं, हालांकि तमाम दिग्गज यहाँ से हुंकार भरेंगे। अब इसी पर, क्योंकि लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अंबेडकर नगर से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास ले चलते हैं। अनुभव, कैसा है माहौल वहां पर, कितनी तैयारी है जनविश्वास यात्रा को लेकर, और विश्वास जीतना आसान या मुश्किल वहां पर आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी के लिए? बीजेपी ने 2022 के चुनाव के लिए अपनी जो कैंपेन स्ट्रेटजी तैयार की है उसमें ये जो जनविश्वास यात्रा है ये एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसीलिए जो 6 क्षेत्र हैं, बीजेपी ने पूरे यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटा है, हर एक क्षेत्र में एक जिला चुना है जहाँ पर ये जनविश्वास यात्रा शुरू हो रही है। क्यों चुना है उन जिलों को? अब अम्बेडकर नगर की आप बात करिए, इसको क्यों चुना? क्यों? क्योंकि महाराजा सुहेलदेव की ये धरती है, प्रख्यात समाजवादी विचारक डॉक्टर लोहिया की धरती है, इसलिए अंबेडकर नगर को चुना है। वरना तो 13 जिले आते हैं, अगर हम अवध क्षेत्र की बात करें कहीं पर भी कर सकते थे, लेकिन इसीलिए अंबेडकर नगर को चुना। मथुरा को क्यों चुना? क्योंकि मथुरा का मुद्दा इस समय गर्म है। मथुरा को बीजेपी लगातार, कोई भी लीडर हो मथुरा की बात जरूर करता है। बिजनौर को क्यों चुना? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो, इसीलिए इन जिलों को चुना गया है। अंबेडकर नगर से जो आज यात्रा शुरू होगी, जैसे खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे, वो अयोध्या जाएगी, गोंडा जाएगी, बलरामपुर जाएगी, श्रावस्ती जाएगी, रायबरेली जाएगी, उन्नाव जाएगी, समापन होगा लखनऊ के काकोरी में। इसी तरह जो 6 यात्राएं निकल रही हैं उनका समापन अलग अलग जिलों में होगा, लेकिन इन सारी यात्राओं के समापन के बाद राजधानी लखनऊ में एक महारैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जो इन रैलियों का समापन कार्यक्रम होगा वो लखनऊ में होगा, और वो 9 या 10 जनवरी को होगा। उसमें 10 लाख लोगों को लाने की बीजेपी की तैयारी है। वो अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उतनी बड़ी रैली आज तक हुई नहीं है कहीं भी। और इसीलिए जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लगे हैं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि ये जो जनविश्वास यात्रा आज से शुरू हो रही है, ये जहाँ जहाँ जाए इसे लोगों का समर्थन मिले। क्यों मिले? क्योंकि 7 साल की केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, 4.5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को हो चुके हैं, ठीक है, 11.5 करोड़ जैसा आपने बताया, अपने आप को जमीनी स्तर पर लगातार मजबूत करती हुई नजर आ